आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री के सबसे बड़े फ्रॉडियों की कहानी। हाल ही में ये दोनों बंदर इंडिया की बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा बुराई करते नजर आए हैं। अगर इनके 2 घंटे के लेक्चर को मैं इन शॉर्ट करूं तो उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि बॉडी बिल्डिंग में सब लोग करप्ट हैं, बस ये दोनों ही मसीहा हैं। और उसके साथ साथ इनका कहना ये है कि इनके जैसा कोई प्रमोटर बनना चाहिए। मगर भाई, तरुण गिल नाम से बड़ा फ्रॉडी क्या यूट्यूब पे कोई और है? मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि इंडियन बॉडी बिल्डिंग में लोग करप्ट नहीं है, मगर इन लुक्कों की हिस्ट्री भी तो जान लो। तरुण गिल ने एक शो बनाया साहिल खान के साथ मिलकर, फिटनेस लीग ऑफ इंडिया। मासूम लोगों से 2,000 रुपए ऑडिशन के नाम पे इन्होंने लिए। इनका वादा था कि ये विनर को 3 करोड़ रुपए देंगे, एक बाइक देंगे और मूवी में रोल दिलाएंगे। दोस्तों, आपको इनकी शक्ल देख के लगता है कि बॉलीवुड की मूवी में ये रोल दिलाएंगे? कम से कम 10,000 लोग आए थे उस शो के ऑडिशन में। 2 करोड़ रुपए का घोटाला किया है इस शहनशाह फिटनेस ने। उस टाइम पे साहिल खान ने बहुत रानी रोना किया, लेकिन साला उसी के साथ बैठा है। और एक सब्जेक्टिव स्पोर्ट जिसके अंदर कंट्रोवर्सी होना आम बात है, उसके ये प्रमोटर बनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा पैसा कमाती हैं। और ये तो है फ्रॉडी। साहिल खान ने ये दावा किया था कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में भी इंडियन जेनेटिक्स के साथ कोई भी मिस्टर ओलंपिया क्वालिफाई नहीं कर सकता। लेकिन भुवन चौहान ने इनकी स्टेटमेंट के 5 साल बाद ही मिस्टर ओलंपिया क्वालिफाई कर लिया और इन दोनों के मुंह पे मूत दिया।